मणि अपने आप जगमगाती है, वैसे राम का नाम है, भगवान का नाम है। और फिर कहते हैं जैसे दिया, दिए का प्रकाश आपको कमरे में भी चाहिए और बाहर भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, भीतर भी उजाला है बाहर भी उजाला जाए, उसके लिए दरवाजे पर रख दो, बीच में रख दो, भीतर भी प्रकाश आएगा और बाहर भी प्रकाश आएगा। तो गोस्वामी जी कह रहे राम नाम मणि दीप धरु, जीहे देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहिए उजियार। जीव वो देहरी है जिसके जिस पे आप भगवान नाम रखोगे, तो भीतर भी उजाला देगा और बाहर जो उसको सुनेगा उसको भी प्रकाशमान करेगा, भीतर भी बाहर भी दोनों तरफ मजे ही मजे, आनंद ही आनंद, उजाला ही उजाला है, भीतर भी उजाला बाहर भी उजाला। प्यासा हो, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में पड़ी मछली कह दे कि बड़ी प्यास लग रही है, मुझे सुन सुन आवे हंसी। तो बाबा तुलसी कह रहे हैं कि राम 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 नाम की महिमा गा रहे हैं। अब वो नाम कुछ भी, बाबा तुलसी को राम नाम पे भरोसा, किसी को कृष्ण नाम पे, किसी को राधा नाम पे, जिसको जिस नाम पे भरोसा है। इसलिए जितनी शक्ति राधा रानी में उतनी शक्ति उनके नाम में है। नाम जपो, कोशिश करो, अभ्यास कोशिश करनी पड़ती है। बचपन में बच्चे को सिखाते हैं कोशिश करो, पढ़ाई की कमाई की, तो ये भी कोशिश से ही होता है, ये कहीं ऐसे टपकता नहीं है। पहले कोशिश, पहले प्रयास, फिर वो कृपा तो अपने आप होती है। प्रयास नाम की उपमा देते हुए तो बाबा तुलसी ने भगवान नाम को क्या कहा, भगवान नाम को कोई कहता है राम नाम, भगवान नाम राधा नाम दिया है दीपक की तरह, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नहीं, दिए के जैसा नहीं है भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि दिए के लिए घी चाहिए, बाती चाहिए, माचिस चाहिए, फिर जलाने वाला चाहिए, इतनी सब चीजें चाहिए तब दिया जलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते भगवान का नाम दिया नहीं, फिर क्या है, चतुर शिरोमणि तेही जग माही, जे मणि लागी सुजत न करण। मणि के समान है भगवान का नाम, मणि को चमकने के लिए ना घी चाहिए, ना बाती चाहिए, ना माचिस चाहिए, वो अपने आप चमकती है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं राम नाम भगवान नाम जो है ये दिया है, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राती। बिना घी बाती के मणि अपने आप जगमगाती है, वैसे राम का नाम है, भगवान का नाम है। और फिर कहते हैं जैसे दिया, दिए का प्रकाश आपको कमरे में भी चाहिए और बाहर भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, भीतर भी उजाला है बाहर भी उजाला जाए, उसके लिए दरवाजे पर रख दो, बीच में रख दो, भीतर भी प्रकाश आएगा और बाहर भी प्रकाश आएगा। तो गोस्वामी जी कह रहे राम नाम मणि दीप धरु, जीहे देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहिए उजियार। जीव वो देहरी है जिसके जिस पे आप भगवान नाम रखोगे, तो भीतर भी उजाला देगा और बाहर जो उसको सुनेगा उसको भी प्रकाशमान करेगा, भीतर भी बाहर भी दोनों तरफ मजे ही मजे, आनंद ही आनंद, उजाला ही उजाला है, भीतर भी उजाला बाहर भी उजाला। बाहर उजाला, अच्छा देखो कई बार हम कह देते हैं कि देखो हम भी कहते हैं, हमने भी खूब कहा है हम हरि नाम प्रचार करेंगे, हरि नाम प्रचार, पर प्रचार करना नहीं पड़ता है। जब जीव से जिव्या से नाम निकलेगा तो अपने आप वो दुनिया में फैलेगा, क्या प्रचार करेंगे हम, भगवान नाम प्रचार करने के अधिकारी भी नहीं है। नाम प्रचार करने का वही अधिकारी है, कौन,
नाम प्रचार करने का वही अधिकार है जिसको अपनी प्रशंसा बड़ाई जहर के समान लगे और अपनी जो बुराई हो रही है वो अमृत के समान लगे। बताओ कौन ऐसा यहाँ महात्मा बैठा है जिसको अपनी प्रशंसा जहर जैसी लगती है? कोई है? इंक्लूडिंग ये जो व्यासपीठ पे बैठे हैं, कोई बड़ाई कर दे लगता अरे चुप हो जाए बस, या बोले ना आगे कुछ भी, हमारी आगे एक शब्द ना बोल दे, बड़ाई होता कभी नहीं, ऐसे लगता एक लाइन बोली एक और बोल दे। अच्छा ऐसे हम, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आप कह रहे तो होंगे ही, अब इतना सब इतने सारे लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे, एक बोलता झूठ दो बोलता इतने सब थोड़ी झूठ बोल देंगे। बड़ा भाव है आप में तो हाँ होगा ही, तभी तो इतने लोग खुश हो रहे हैं। ये सब अच्छा लगता है कि नहीं लगता? सच्ची बात है सबको लगता, अभी लगता है इसका मतलब अभी हम अधिकारी हैं। उस अधिकारी को बनने में लोगों का, मैंने कहा था लोग का उद्धार तो बाद में पहले अपना हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। उद्धारक बनने हम निकल पड़ते संसार में। कोई महापुरुष जो हुआ ना हमारे रसिक जितने महापुरुष, कोई संसार का उद्धार करने नहीं निकला। सूर बाबा ने 125,000 पद गाए पर उस 125,000 में से एक भी तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं गाया है। बाबा सूर ने जो भी गाया उनको रिझाने के लिए गाया। 125,000 में से एक भी बता दो जो दुनिया वालों के लिए गाया हो, दुनिया वालों को खुश करने को गाया हो, दुनिया का उद्धार करने भी गाया हो, ना ना अपना उद्धार। मौसम कौन कुटिल खलकामी क्यों कहते बाबा सूरदास जी? ये कहते ना कि तुम जैसा कोई कुटिल नहीं है, अपने लिए कहा उन्होंने, क्योंकि उनको पता है मैं उनके लिए गा रहा हूं, मैं कोई समाज के सुधार के लिए नहीं गा रहा हूं। जब स्वयं सुधार हो जाता खुद का फिर अपने आप सुधार होने लगता है। जब खुद का सुधार हो गया तो समाज का भी हो जाता है, पहले तो खुद का। वो प्रचारक है तो नाम में बड़ी शक्ति है। कृष्णदास कविराज कहते हैं, प्रभुर आज्ञाए एही श्लोक करी उच्चारण, अवश्य पाइबे कृष्ण प्रेम चरण। इसलिए इस राधा जो राधा रानी की जो महिमा हम गा रहे हैं, इसका तभी लाभ है जब आपकी जिह्वा पर निरंतर श्री राधा रानी का नाम, कृष्ण नाम निरंतर चलने लगे तो समझना राधा रानी आपके पास है, कोई अलग थोड़ी है, कहीं और नहीं। नाम और नामी में भेद नहीं है, तो श्री राधा रानी की जो कृपा है वो नाम में भी उतनी कृपा है। नाम कोई कम नहीं समझी। श्री महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के श्री तुकाराम जी बैठे थे, एकदम विठल 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 जाप कर रहे थे। वहां बड़े ही राष्ट्रभक्त शिरोमणि श्री श्री शिवाजी महाराज पधारे दर्शन के। तो राजा हैं, महाराणा हैं, शिवाजी आए पधारे। शिवाजी ने आकर के सबसे, पूरी तामझाम के संग नहीं आए थे, अकेले एक अंगरक्षक संग था। साधु के पास ज्यादा अपना वैभव लेकर के नहीं जाना चाहिए, देखो हम फलाने हम दिकाने, नहीं, शांति से अकेले जाओ। ज्यादा एक अंगरक्षक साथ ले गए, थोड़ा ध्यान व्यान रखे। और चाहे कोई कितना भी बड़ा महाराजा, पूर्व के जो महाराजा होते थे ना, संतों के पास कैसे जाना कैसे दर्शन करना वो जानते थे रीति। दरवाजे पर जब वो प्रवेश करते हैं तो अपना मुकुट वहां बाहर उतार के आते हैं, भीतर नहीं लेकर के जाते थे, बाहर मुकुट जो है उतार के फिर भीतर आते। तो शिवाजी आए, भीतर प्रवेश किया, तुकाराम जी विठल विठल गा रहे सामने बैठ गए। शिवाजी नाम जाप वो भी करने लगे थोड़ा बैठ करके। अब ये बात उस समय के जो विरोधी पक्ष के मलेच्छ थे, जो मुसलमान थे, उनको पता लगा कि शिवाजी गए हैं दर्शन के लिए अकेले।
इससे बढ़िया मौका कोई नहीं होगा, इनको पकड़ने का धर दबोचो, मार डालो। अकेले ही तो है, कोई अंगरक्षक नहीं, एक आदमी है। सब मलेच्छों की सेना टूट पड़ी तुकाराम जी के आश्रम। अंगरक्षक बाहर भागता भागता आया, महाराज अनर्थ हो गया, सब विरोधी पक्ष शत्रु दरवाजे पर आ गए हैं और अब कोई सेना नहीं हमारे पास, उनके पास पूरी सेना, महाराज अब नहीं बचेंगे। तुकाराम जी ने आंख खोली, देखा शिवाजी बड़े चिंतित है। तुकाराम जी ने कहा कुछ मत करो, आंख बंद कर लो और मेरे साथ साथ बोलो विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग, बस कुछ मत करो, भरोसा रखो मुझ पे। शिवाजी ने आंख बंद की, विठ्ठल 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 बोलने लगे, सेना भीतर घुसी। इतिहास उदाहरण है, पूरा मंदिर छान डाला सेना ने, लेकिन पूरी सेना में से किसी को भी शिवाजी दिखाई नहीं दी। सेना घूम करके पूरे मंदिर में ढूंढ करके शिवाजी मिले ही नहीं, खाली हाथ सेना लौट गई। और वहीं बैठे थे शिवाजी, कहीं गए नहीं थे, वहीं बैठ करके नाम का जाप कर रहे थे, केवल नाम के। सोचो उन महापुरुषों में भी नाम का कितना बल होगा कि कह दिया कि तू कुछ मत कर, बैठ जा, बस नाम जप कर, बाकी नाम संभाल लेगा। सबरी सेना लौट गई और शिवाजी दिखे नहीं। ये नाम का प्रताप, ये नाम का बल, और हम उस नाम को ऐसे ही हल्के में ले लेते, सस्ते में ले लेते। एक गोवर्धन में बाबा जी थे, बड़े अद्भुत महात्मा थे, उनको शारीरिक कुछ रोग हो गया तो उड़िया बाबा उनसे मिलने, उड़िया बाबा ने कहा कि महाराज आप तो परम हंस हो, एक नाम, एक जो आपने उच्चारण किया जीवन भर, उस एक नाम के बदले ये रोग ठीक हो सकता है। तो उन बाबा ने हंसते कहा, एक मच्छर को मारने के लिए कभी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है? भावरे हो गए हो, कहा ये मच्छर को, ये साधारण सा शरीर, इसके लिए राम नाम, भगवान नाम, कृष्ण नाम, राधा रानी का नाम, वो छोड़ो ना, ये समझदारी नहीं है। इसलिए ये सब बताने का मेरा बस इतना ही भाव है कि देखो अलग मत समझो, राधा रानी और उनका नाम अलग नहीं है। इसलिए नाम का आश्रय लोगे तो अपने आप आपको श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आइए एक भाव गाते सब कि हमारा आश्रय हमारा सहारा क्या है। अब तक हमने कहा राधा रानी है, पर अब कहिए राधा नाम हमारा सहारा है, राधा नाम हमारा आश्रय है। और कैसा नाम है बोले, कोई तपती धूप में एकदम होठ सूख गए, जीव एकदम कप पानी मिले, एक बूंद पानी मिले, और ऐसे प्यासे को जब श्री राधा रानी का नाम प्राप्त हो जाता है तो उसकी समस्त प्यास, जीवन जीवन की प्यास खत्म हो जाती है। तो उन्हीं श्री राधा रानी का स्मरण करते हो, सब भाव से गाएं। हो मेरो राधा नाम सहारो, जैसे प्यासे को पानी, मेरो राधा नाम सहारो, जैसे प्यासे को पानी। ओ मेरो राधा नाम सहारो, जैसे प्यासे को पानी, मेरो राधा नाम सहारो, जैसे प्यासे को पानी। मेरो राधा नाम सहारो, जैसे प्यासे को पानी, प्यासे को पानी, जैसे प्यासे को पानी, प्यासे को पानी, जैसे प्यासे को पानी, सहारो, जैसे प्यासे को पानी।
से प्यासे को पानी। जगवंदन सिद्ध कियो मुरली की तानन, सिद्ध कियो मुरली की तानन। राधा नाम प्रताप सवे मोहे मुरली रानी, राधा नाम प्रताप सवे मोहे मुरली। सब जगने जानी राधा नाम प्रताप कृष्ण रस सब जगने जानी, राधा नाम प्रताप कृष्ण रस सब जगने जानी।
गंगा का नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी, प्यासे को पानी जैसे प्यासे को पानी, प्यासे को पानी हो जैसे प्यासे को पानी, प्यासे को पानी मेरा राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी, मेरा राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी। इस राधा नाम से क्या क्या प्राप्त होता है वो बता रहे हैं। पहला, राधा नाम के रटने से क्या हुआ? राधा नाम रटे नंदनंदन याते श्याम भये जग वंदन। जग में जो वंदना हो रही है ना इनकी, क्यों हो रही है? राधा नाम प्रताप सबे मोहे मुरली रानी। जो मुरली से सबको मोहित करते हैं, किसके प्रताप से? राधा नाम के प्रताप से। दूसरा उदाहरण, शिव ने, भगवान भोलेनाथ शिव ने श्री राधा यश गायो, राधा कृपा कटाक्ष राधा चरित्र, उससे क्या हुआ? शिव ने श्री राधा यश गायो याते महारास रस पायो। महारास में कोई और देवता नहीं जा पाया, केवल भगवान भोलेनाथ जी। क्यों? क्योंकि राधा रानी की शरण। और तीसरा, ब्रज की गोपिका, कृष्ण प्रेम रस चाख्यो आलिन, राधा नाम जप्यो ब्रज गोपिन, जग में पूज्य भई ये ग्वालिन। और कितनी पूज्य हो गई, बोले जिनकी चरण धूरी विधि मांगे सनकादिक ज्ञानी। संकादिक जैसे ज्ञानी जिनकी चरण धूली गोपियों की मांग, किसके प्रताप से? राधा नाम। कितनी कितनी वाणी गाए राधा नाम की महिमा। इसीलिए कृष्ण प्रेम रस चाख्यो आलिन, प्रेम रस चाख्यो आलिन, जग में पूज्य भई ये ग्वालिन, जग में पूज्य भई ये ग्वालिन, राधा नाम जप्यो ब्रज गोपिन, इनकी चरण धूर विधि मांगे सनकादिक ज्ञानी, इनकी चरण धूर विधि मांगे सनकादिक ज्ञानी, इनकी चरण धूर विधि मांगे सनकादिक ज्ञानी, इनकी चरण धूल विधि मांगे सनकादिक ज्ञानी। सभी भाव ओ मेरो राधा नाम हो, प्यासे को पानी, मेरो राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी, ओ मेरो राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी, ओ मेरो राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी, प्यासे को पानी जैसे
प्यासे को पानी हो जैसे प्यासे को पानी प्यासे को पानी ओ मेरो राधा नाम सहारो प्यासे को पानी ओ मेरो राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी ओ मेरो राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी ओ मेरो राधा नाम सहारो जैसे को पानी रटे सो देखे लीला रस खानी हाँ राधा नाम रटे सो देखे लीला रस खानी राधा नाम रटे सो देखे लीला रस खानी ओ मेरो राधा नाम सहारो प्यासे को पानी ओ मेरो श्यामा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी ओ मेरा राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी प्यासे को पानी जैसे प्यासे को पानी प्यासे को पानी हो जैसे प्यासे को पानी प्यासे को पानी जैसे प्यासे को पानी प्यासे को पानी हो जैसे प्यासे को पानी ओ मेरो राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी मेरो राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी ओ मेरो श्यामा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी मेरा राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी ओ मेरो राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी ओ मेरा राधा नाम सहारो जैसे प्यासे को पानी बोलिए राधा रानी की Thank you.
ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।